दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय आत्मा प्रकाश कायस्था एंड सन्स सुजानपुर। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने पूरा हिमाचल अनलॉक करने पर हिमाचल सरकार को आड़े हाथ लिया है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह डोगरा ने कहा कि वर्तमान में जो परिस्थितियां केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने बनाई हैं, उसमें इस महामारी से अपना बचाव अपने आप को खुद ही करना पड़ेगा। प्रदेश में पर्यटकों को आने की अनुमति दी गई है, उससे हालात न बिगड़े इसके लिए लोग अपना बचाव करें, लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, साथ ही मास्क लगाकर ही घर से निकलें। इसके अलावा ग्लव्स और सैनिटाइजर भी अपने पास रखें। भीड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें और सरकारी कार्यालय, हॉस्पिटल और बैंक में अपना बचाव खुद करें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के इस काल में पिछले एक दो दिन के अंदर काफी सारी रियायतें केंद्र सरकार ने और हिमाचल सरकार ने दी हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना महामारी से हम लोगों ने निजात पा ली है, बल्कि सरकारों के पास इसका कोई विकल्प नहीं है। तो उस विकल्प के लिए मेरी हिमाचल वासियों से यही प्रार्थना है कि जिस तरह हमने चार महीने में पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ में कोरोना महामारी से लड़ाई करी है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सब उन उपायों पर गौर करें। नंबर एक कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, वहां पे जहां पे भीड़ बहुत ज्यादा हो, बसेस में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स के अंदर। और दूसरा, आप मास्क पहने जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि उनमें से कौन सा व्यक्ति पीड़ित है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइज करते रहें, छोटा हैंड सैनिटाइजर हमेशा पॉकेट में रखें और हो सके तो ग्लव्स पहन के रखें जब आप बाहर किसी नई जगह पे जाएं या किसी अनजान आदमी से मिलें। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सब सुरक्षित रहें और हमारी सेवाएं लेते रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हेलो हाय, मैं सिंगर स्वरूप शर्मा हमीरपुर डिडमी से आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आजकल देश में कोरोना का दौर चल रहा है, बहुत भयंकर बीमारी, जिसे आप सबको बचना है और दूसरों को भी बचाना है। जो भी बाहर से कोई लोग आते हैं उन्हें जरूर प्रधान को रिपोर्ट करें और अपने हाथों को बार बार जो है रोज़ धोएं, सैनिटाइज करें, मास्क लगा के रखें, जितना बचाव कर सकते हैं अपना बचाव करें, नहीं तो ये बीमारी बढ़ती जाएगी। और आज कल परसों लगातार हम और आप सब लोगों का जीना दुश्वार हो सकता है अगर हमने अपना प्रिकॉशन नहीं लिया तो सबसे एक बार फिर अपील करता हूँ कि इस कोरोना बीमारी से बच के रहें, अपना ध्यान रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है ताकि ये बीमारी फैल ना सके और हम सब लोग आपस में खुशी खुशी जीवन जैसे पहले व्यतीत करते आए हैं वैसे जीवन व्यतीत करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप सुजानपुर शहर के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं तो अब आपको दवाइयां इत्यादि लेने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सुजानपुर शहर के सुप्रसिद्ध दवाई विक्रेता मैसर्ज आत्मा प्रकाश कायस्था एंड सन्स नजदीक सिविल हॉस्पिटल सुजानपुर एक बेहतरीन कदम उठाते हुए शहर के न्यूनतम 300 रुपए मूल्य और शहर के बाहर 5 किलोमीटर के दायरे में 600 रुपए मूल्य की दवाइयां बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आपके घर तक पहुंचाने के कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हां, इसके लिए आपको जिस किसी भी प्रकार की दवाई की आवश्यकता हो तो आप फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के जरिए से उन दवाइयों की लिस्ट भेज सकते हैं। दवाइयां बुक करवाने के लिए इन फोन नंबरों पर संपर्क करें 9418084618, 8894318788।